कर पाई और उसने केवल फुलेरे का दर्शन ही कर लिया, अपने पलंग पर पड़ी पड़ी भी फुलेरे का दर्शन कर लिया है, तो नारी को हड़तालिका तीज के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। सात फल हैं भगवान शंकर के हड़तालिका तीज के फुलेरे का। पहला फल व्रत का मूल, दूसरा यदि कोई नारी आई और उसके संतान नहीं, 10 साल 8 साल 5 साल 6 साल 7 साल 12 साल 15 साल हो गए, उस फुलोरे फुलेरे का मात्र स्मरण कर एक पुष्प भी उसने अगर हल्दी कुकू का लगाकर उस फुलेरे का टच कर भगवान शिव के पावन चरणों में रख दिया है और विनती कर गई है, तो अगला फुलेरा वो खुद बनवाती है, उसकी गोदी में संतान आ ही जाएगा। अगला फुलेरा वो खुद बनवाएगी, के जाएगी, जीजी अगली बार फुलेरा मेरी तरफ से बनवा देना, मंदिर में फुलेरा मेरी तरफ से लगवाना, अगली बार जब तुम पूजन करो तो फुलेरा मेरी तरफ से बनवाना। ये फुलेरे का मार्ग। तीसरा महाराज, हम कोई दान, गौदान, हड़तालिका तीज की किताब है आपके यहाँ, जो लोग पढ़ते होंगे हड़तालिका तीज की किताब, उसमें लिखा है ब्राह्मण देव को ये दान देना है, ऐसा दान देना है। अब कोई गरीब है, कोई साधारण है, नहीं है किसी की कैपेसिटी, नहीं दे सकता, तो क्या होता है? तो कहा हम गौदान नहीं कर पाते, हम स्वर्ण दान नहीं कर पाते, हम वस्त्र दान नहीं कर पाते, हम मुद्रा दान नहीं कर पाते, हम अन्न दान नहीं कर पाते, हम ये सारे दान अगर नहीं भी कर पाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है तीसरा फल फुलेरे का है कि मात्र फुलेरे का दर्शन स्पर्श कर लेने से सारे दानों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये तीसरा फल फुलेरे का।